हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के 40 ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। चलिए इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो 40 ऑब्जेक्टिव तक हम लोग देख लिए थे, आज जो है 41 ऑब्जेक्टिव से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाओ। चलिए सब लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जो अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो अभी तक चलिए पहला देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्णिक लवक में, या श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या चीज़ पाया जाता है? 3 विषम, 2 विषम, 4 विषम या 5 विषम। तो मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 विषम पाए जाते हैं। कितने विषम? 4 विषम। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको कवर कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तीसरा देखिए है 44 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? प्रागमय झिल्ली, अप्रागमय झिल्ली, अर्धप्रागमय है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो है वह किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धप्रागमय झिल्ली। कैसा झिल्ली है? अर्धप्रागमय झिल्ली। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आइए, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जब जमता है तो कौन सा क्रिया द्वारा जमता है? पहला है अपघटन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, या उत्सर्जन। तो दही जो जमता है वह किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा? तो किण्वन अभिक्रिया द्वारा। किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? दही जमता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है मार्दम हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाया जाता है? 3 विषम, 4 विषम, 5 विषम, या फिर 2 विषम। तो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ था कि मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं, तो 4 विषम। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? तो मानव में डायलिसिस थैली जो है वह नेफ्रॉन है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? क्रिया, फेफड़ा, गिल्स, या नाक। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग किसका है? गिल्स के द्वारा। मतलब मछली जो होता है किसके द्वारा सांस लेता है? तो गिल्स के द्वारा लेता है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, या परिवहन। तो पौधों में निष्कर्षण की क्रिया के लिए विसरण का उपयोग होता है। किसका होता है? तो विसरण का उपयोग होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। किस अनुसार? हरा होता है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वापोषी, मृतजीवी, समभोजी, या इनमें से कोई नहीं?
तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी होते हैं। क्या होता है? मृत जीवी। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोयम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? पुराने जाइलम में होता है। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन? तो शरीर में भोजन का पचना जो है यह उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। 54 नंबर में देखिए रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त जो है वह क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार की क्या है? उत्तक। रक्त जो एक प्रकार की क्या है? उत्तक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक, अग्नाशय, आँख या इनमें से कोई नहीं? तो उत्सर्जी अंग जो है वह कौन है? तो उत्सर्जी अंग का आंसर हो जाएगा ब्रिक जो है क्या है? उत्सर्जी अंग है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर आए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि रच्छी कोशिका पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में या फिर फलों में? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों में पाया जाता है। रच्छी कोशिका कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर आए। 57 नंबर क्वेश्चन है, इथाइलम एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इथाइलम एल्कोहल जो होता है किस प्रकार बनता है? अवायवीय श्वसन है। कि कैसा श्वसन प्रक्रिया है? अवायवीय श्वसन प्रक्रिया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन या निःश्वसन या उत्सर्जन? तो मनुष्य में जो कि सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप होता है? तो रक्त की कमी से जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। आगे देखिए 57 नंबर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है? यहाँ पर होगा पादप। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? तो इसमें क्या होता है? जल का वहन होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं? तो कुटपाद जो है किस में पाया जाता है? तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर क्या चीज़ होगा? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। और आप लोग पहले क्या कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो हर एक चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज़ है? अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो अस्टोमाटा जो होता है पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या चीज़ है? एस्टोमाटा जो है वह पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? लगभग 100 मिलीमीटर Hg होता है या 150 mmHg या फिर 90 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर, 120
एमएमएचडी होता है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, पत्ती, स्टोमाटा, ग्राना या हरित लवक। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो पत्ती जो है क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रसायन या प्राकृतिक। तो बाष्पोत्सर्जन जो है वह भौतिक प्रक्रिया, कैसा प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासनीकरण या वैद्युत अपघटन। तो शरीर में भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में आइए, 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर क्या चूज हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, या किस, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। चलिए इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है झठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में। तो झठर ग्रंथि जो रहता है कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय में पाया जाता है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊँट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लैक्टेक्स, रेंजिन, गोंद, टैनिन। तो इसको क्या कहते हैं, लैक्टेस कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टेस, लैटेक्स। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, यूरिया रक्त जो है प्रवेश कहाँ से करता है, फेफड़ा से, यकृत से, श्वसन नलिका, नलिका से या फिर वृक्क से। तो यूरिया जो है वह कहाँ से प्रवेश करता है, तो वह यकृत से प्रवेश करता है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में या शाम सुबह में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ के होता है, तो दिन में होता है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप में फ्लोयम संवाहक होता है, भोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, अमीनो अम्ल में। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, पादप में भोजन का संवहन किस में होता है, पादप में फ्लोयम का संवहन जो होता है वह किस में होता है, तो भोजन में होता है। और आप लोग जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं सभी के पास आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरह का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डलाया जाए आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो इसका आंसर क्या चाहिए, जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो जल से। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या फिर लसीका। तो इसका आंसर क्या चाहिए, प्लाज्मा कहते हैं। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती में, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो हरित लवक जो है क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लर्मेरुलस या फिर वोमेट संपुट। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, तो नेफ्रॉन कहते हैं उसको। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एंड्रिल। तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या है, लीवर है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि स्वपोषण के लिए आवश्यक कौन नहीं है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या जल? तो स्वपोषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे देखिए 79 नंबर के नंबर है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कुटपाट द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। 80 नंबर, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30 पॉइंट के जूल प्रति मोल या फिर 305 या 3.5 के जूल प्रति मोल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देख लिए इस चैप्टर से, 40 क्वेश्चन उस दिन देखे थे इसके पहले वाला वीडियो में और 40 क्वेश्चन आज देखें। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, और आप लोग को अगर जो माँ अपने माता पिता का सपना पूरा करना है कि इस बार जो है एग्ज़ाम में 450+ लाना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को नोट्स और PDF भी फ्री में दिया जाता है, तो आप लोग जो है वहाँ ज़रूर टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ जो है नोट्स और PDF आप लोग को फ्री में मिलते रहेगा। और आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक चैप्टर बाई चैप्टर आपका वीडियो जो है मिलता रहे, और मॉडल सेट भी करवाया जाएगा जल्द ही, तो और मैराथन भी चलेगा, तो बहुत जल्द हम लोग मतलब इतना मतलब कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव का आप लोग छूटने वाला आपसे नहीं है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर डेली देखिए और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग के पास वीडियो पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।